दस बजा नंदी जी का जा ठीक है भैया जा दीदी शास्त्र है ना भूखा है भाई वो भी शास्त्र आ चुके हैं हां नहीं भाई आराम से आ चुके हैं दीदी वन बेस वीडियो बनाई गुरुजी कहां भगवाना तो मैं हमें कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं बोलो राधा रानी की जय इधर राजा बिहारी जी महाराज की जय इसको बोलते हैं निधि वन आप जितना भी आप पेड़ देखते हैं ये पेड़ 16108 पेड़ है ये पेड़ रात को राधा कृष्ण बन जाते हैं हाँ। दिन में पेड़ पौधे बन जाती है जौन भक्त यहाँ पर रात को देखता है वो आंखों से अंधा हो जाता है कानों से बहरा मुंह से गूंगा हो जाता है वो मर जाता है रात को 8 बजे के बाद बंदर पक्षी ऑटोमेटिक यहाँ से चले जाते हैं 8 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं रोकता जौन रोकता है वो मर जाता है बोलो राधा रानी की जय बिहारी जी महाराज की जय इसको बोलते हैं बन तुलसी जो वनों में होती है जो अपने घरों में लगाते हैं उसको बोलते हैं रामा तुलसी श्यामा तुलसी इसको बोलते हैं बन तुलसी बोलो राधा रानी की गाली बजा लो हंसी करो राधे राधे बोल के आओ राधे राधे आ जाइए 8 बजे के बाद ब्लू एंट्री बंद हाँ कोई नहीं रहता 8 बजे अगर कोई आए तो नहीं मर जाएगा 8 बजे के बाद मर जाएगा राधे राधे बोलो एक एक चीज राधा रानी की जय इस जगह को बोलते हैं ललिता कुंड जब गोपियां रास करते करते थक जाती हैं तो उनको प्यास लगती है तो कन्हैया ने बांसुरी के द्वारा पानी निकाला और गोपियों की यहाँ पे कन्हैया जी ने प्यास बुझाई इसका नाम पड़ा ललिता कुंड पहले गोवा मट्टी का बना हुआ था भक्तों की मनोकामना पूरी हुई तो पक्का उस मंडप से बनवा दिया बोलो राधा रानी की ताली बजा लो हंस कर राधे 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 वीडियो बन रही है हाँ बन रही है इसमें आएगी सर यूट्यूब पे आएगी किस नाम से आएगी है मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगी मैं बता दूंगा आपको बोलो राधा रानी की जय इस जगह को बोलते हैं देखो बाकी बिहारी का प्रकट स्थल तानसेन के सम्राट स्वामी हरदास जी महाराज जिन्होंने यहाँ पे बैठ के सन 1535 में तपस्या करके 2 मूर्तियों को प्रकट किया पहली मूर्ति प्रकट हुई है बांके बिहारी की आपने बांके बिहारी का दर्शन किया हो तो मूर्ति इसी जगह से प्रकट है जो दूसरी मूर्ति प्रकट है वृंदावन बिहारी दाऊ जी जय राधे उनके स्थान निकल रहा है चलिए घूम के हाँ राधे 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 ये राधे 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 बोलो राधे राधे अरे आप भागो करते हैं भरते हैं आगे बैठे आइए राधे राधे सारे पेड़ आपको एक दूसरे में लिपटे हुए मिलेंगे ऐसा कोई पेड़ नहीं मिलेगा जो आपको लिपटा हुआ नहीं मिलेगा राधा और कृष्ण के भाव में एक प्याण तो देही और राधा शख्स ने ही राधा में ही कृष्ण और कृष्ण में ही राधा है सारे पेड़ आपको लिपटा हुआ मिलेगा नीचे से सूखा हुआ ऊपर से हरा हुआ यही वृंदावन की लीला है यहाँ पानी बोलो राधा रानी की जय देखो इस जगह को बोलते हैं रंग महल जहाँ पे राधा रानी का श्रृंगार होता है इसके अंदर एक चांदी का बेड बिछा हुआ है उसके ऊपर शाम को फूलों की सेज सजाते हैं लड्डू रखते हैं पान रखते हैं लोटा में जल राधा रानी का श्रृंगार 2 गेट है यहाँ पर 7 ताले लगाई जाती हैं जब सुबह भक्तों के सामने ताले खुलती हैं लड्डू खवा हुआ मिलता है पान चबा हुआ लोटा का जल गायब और राधा रानी का श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है आज भी यहाँ पे ये होता है बोलो राधा रानी की जय ताली बजा लो हंसी करो राधे राधे बोलती है राधे राधे थोड़ी लाइन लगी है Thank you.
जब आप दो ना बहन जी तो मुझसे बोलता ना कृष्ण राधा बहने श्रृंगार चढ़ा लो राधा रानी के लिए तो सामान देगा अपना हाथ चल में ले लेना बोल दूँ आगे आ जाओ आगे आ जाओ उसको श्रृंगार सम्मान मिल जाए आगे आ जाओ राधे राधे बोल कर आओ आगे में चलो राधे 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 ये बंगाल के हैं बंगाली हमें तुम आके भालो वास राधा गोविंद की बना के दिए दो वही दिए दो तुम लायो माता मैंने श्रृंगार चढ़ा लो राधा रानी के चलन चलन लाए चढ़ाना चाहे पूरे श्रृंगार की सेवा एक से देखो ये रात को खिड़की फाटक सारा बंद कर देते हैं। रहता है कोई इसमें? रहते हैं लेकिन कोई देखता नहीं है। रहते हैं कोई देखता नहीं है यहाँ पे रात को। जो रात को देखेगा तो फिर इसके आँख मर जाएगा। मर जाएगा। आज भी यहाँ पे रात को कोई रुकता नहीं है। बंदर पक्षी आटो महते सारे चले जाते हैं। बंदर कहाँ चले जाते हैं यहाँ से? बाहर निकल जाते हैं आटो महते कन्हैया की कृपा है कोई रुकता चींटी भी नहीं रुकती है सब निकल जाएंगे। सारे पेड़ देखो कोई में घोंचला नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा चीटा चीटी सब बंदर पक्षी सब निकल जाएंगे। इसमें कोई जाता है इसके अंदर? कोई नहीं जाता है। साफ सफाई लगा दी है ना कोई नहीं जाता। पहले जाते थे क्योंकि तुलसी है बिंदा माने बोलते तुलसी को वन माने बोलते जंगल को इसका नाम पड़ा वृंदावन। आज से 5,500 साल पहले वृंदावन तुलसी का जंगल था इतना सा बचा हुआ तुलसी का जंगल साक्षी के रूप में पहले सारा तुलसी का जंगल। राधा रानी की जय। देखो इस जगह को बोलते हैं रास मंडल जहाँ रास मंडल जहाँ पे कन्हैया जी ने गोपियों के साथ रास किया है। यहाँ पे स्वयं कन्हैया अपनी राधा रानी के साथ रास करती है। यहाँ पे जब रास होता था तो यहाँ पे भोलेनाथ को रास देखना था तो गोपी यहाँ पे गोपी का रूप धारण करके आई थी। उनका नाम पड़ा था गोपेश्वर महादेव। तो शंकर भगवान भी यहाँ पे गोपी बन के आई थी क्योंकि यहाँ पे ग्वालों की एंट्री नहीं थी सिर्फ गोपियों की एंट्री थी तो उनको रास देखना था तो वो गोपी बन के आई थी। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे बोल के राधे राधे राधा रानी की जय। लिखा हुआ बंसी चोरी राधा रानी ये किसकी नगरी बोलते हैं लुटेरी की नगरी। आज भी इसको लुटेरी की नगरी बोलते हैं। आज भी जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ लुटेरी नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। निकले यहाँ पे दो लुटेरी है कन्हैया जी और राधा रानी। यहाँ पर राधा रानी ने बंसी चोरी की कन्हैया जी की। कन्हैया जी कहते हैं हम तो चोर हैं आपने मेरी घर चोरी की। तो राधा रानी कहती है वृंदावन में ऐसा कोई बचा नहीं जो यहाँ के लुटा नहीं तो यहाँ पर सबको लुटना पड़ता है इसलिए उसको बोलते हैं लुटेरी की नगरी। यहाँ पर स्वयं राधा रानी बंसी बजाती है सभी जगह दर्शन करना किससे बंसी बजाती है हमारे वृंदावन धाम में राधा रानी बंसी बजाती है। आजू बाजू में ललिता विशाखा बीच में राधा रानी जो स्वयं कृष्ण के रूप में बंसी बजा रही है। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे राधे।